चिंता की कोई बात नहीं है। पता नहीं मीनाक्षी जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आज बच्चों के बीच में कुछ हुआ तो जरूर है। अब ये सब तो होना ही है ना, जब मेल मिलाप की शर्त रखी है तो बच्चे एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, तो फिर झगड़ेंगे भी। वो तो बच्चे हैं मीनाक्षी जी, पर हमें तो कुछ करना होगा ना। जरूर करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कल कुणाल को लेकर मैं गोड़धाना के दिन आपके घर जरूर आऊंगी। मीनाक्षी जी, आप नहीं जानती आपने मेरे दिल पर से कितना बड़ा बोझ उतार दिया है। मैं तो कहूंगी कि मिष्टी बहुत लकी है कि उसे आप जैसी बड़ी माँ मिली है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। कल मिष्टी जब रोएगी तो उसे बड़ी माँ का कंधा भी तो चाहिए। जैसा मैंने कहा है लक्ष्मण, ठीक वैसा ही होना चाहिए, समझ गए हो? बिंबा, कल गोड़धाने पर मिष्टी के पिता नमन अग्रवाल आने वाले हैं। बड़ी माँ, आज जाते वक्त कुणाल मुझसे बहुत नाराज था और मुझे लगता है कि वो कल आएगा। आपको कैसे पता? मैंने मीनाक्षी जी से बात की थी। बड़ी माँ, आप मुझसे नाराज है ना? नहीं बेटा, तुझसे नाराज नहीं हूं, बल्कि खुद से नाराज हूं। इतने सालों में भी मैं पूरी तरह से तेरा भरोसा नहीं जीत पाई, दोस्त नहीं बन पाई तेरी। आप कैसी बातें कर रही बड़ी माँ, ऐसा कुछ नहीं है। सच कह रही हूं मिष्टी, तूने हॉस्पिटल से मुझे कोई फोन नहीं किया, मेरे होते हुए भी खुद को अकेला समझा। कुणाल को लगता है कि मैं अपनी जिंदगी का कोई बड़ा फैसला खुद से नहीं ले सकती, या तो मुझे उसके भाई की जरूरत पड़ेगी या तो उसकी मॉम की। मुझे उसे बताना था कि मैं ऐसे कमजोर नहीं हूं, मेरी बड़ी माँ ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपनी जिंदगी का हर फैसला खुद से ले सकूं। जब तक अकेली थी तब तक अपने फैसले भी खुद ले सकती थी, लेकिन अब तू रिश्ते में बनने जा रही है। ये दुल्हन का जोड़ा, ये जेवर, इनसे सिर्फ तुझे सजना नहीं है, सवरना भी है। तू बहुत अच्छी बेटी है मिष्टी, अब तुझे और भी अच्छी पत्नी और भी अच्छी बहू बनना है। अब तेरे हर फैसले पर सबसे पहला अधिकार कुणाल का और उसके बाद दोनों परिवारों का होगा। समझी मेरी बच्ची? गौरी, श्यामा, ये माटली शाम तक तैयार हो जाएगी ना? हाँ बेन, बामनी जैसे, चिंता ना करो। शाम के फंक्शन में इन माटलियों का होना बहुत जरूरी है। जल्दी जल्दी हाथ उपाड़ो। ये कहानी केतकी के गोड़धाना पर शुरू हुई थी, और अब कुणाल के गोड़धाना पर खत्म होगी, और उसे खत्म करूंगी मैं। गुड मॉर्निंग बिंबा, आपकी ये हरी चाय। थैंक यू निधि। ये औरतें मटकियां क्यों बना रही हैं? निधि, मिष्टी की फैमिली मारवाड़ी है, और ये गोड़धाना में गुजराती की रस्में होंगी जो सिर्फ हम जानते हैं। हाँ जी बिंबा, पर बिंबा ये जो चांदलू माटले की रस्म होती है, ये तो लड़की के पिताजी की जिम्मेदारी होती है, तो जब ये उनकी जिम्मेदारी है तो ये सारा काम हम क्यों करें? अरे वाह मारी टोपी, बहुत चिंता करने लगी। थैंक यू बिंबा। पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है बिंबा, आप कह रहे हो तो। पर बिंबा। निधि जी, बापूजी को चाय दी। अरे ये मरा मारी रे। जाओ जाओ। निधि। हाँ। सॉरी। माटली तो लड़की के पिता ही लाएंगे। लक्ष्मण, मेरा पार्सल तुम्हारे पास ही है ना? जी, आपका पार्सल 2 घंटे में राजकोट पहुंचने वाला है। गुड। या राइट, करेक्ट। कुणाल,
मासी एक सेकंड प्लीज, मुझे माँ से कुछ अकेले में बात करनी है। ठीक है, जो भी कहना है पारुल के सामने कहो, इनसे मैं कुछ भी नहीं छुपाती। I understand माँ, बट बात ही कुछ ऐसी है कि मैं किसी के सामने नहीं कर सकता। ठीक है, कुणाल मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, पर पहले तुम बताओ। माँ ये सब जो गिफ्ट्स आ रहे हैं इन्हें देखकर मैं बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ। I mean, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो। तुम गोरधाना में जाना चाहते हो? मेरे पास और चॉइस ही क्या है माँ? कुणाल, तुम्हारे पास चॉइस है। अगर गोरधाना होगा तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मर्जी से होगा। अगर तुम गोरधाना में जाना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। कुणाल, कल जो कुछ भी हुआ उससे तुम मिष्टी से नाराज हो, या फिर तुम्हें भी लगता है कि वो हमसे कुछ छुपा रही है? मतलब? मतलब ये है कुणाल कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मिष्टी हमसे कुछ छुपा रही है। अब मैं ये नहीं जानती कि क्या बात छुपा रही है, पर इतना जरूर जानती हूं कि हम मिष्टी के बारे में सब कुछ नहीं जानते। कुणाल, अगर तुम मिष्टी पर ट्रस्ट नहीं करते तो मुझे जरूर बता देना। अब ये शादी से पहले का मेल मिलाप, प्री मैरिटल कोर्टशिप इसीलिए तो है कि दोनों के बीच जान पहचान बने, और इस जान पहचान के दौरान अगर तुम मिष्टी की किसी बात से खुश नहीं हो तो बेटा मुझे जरूर बता देना। I'm so sorry, कुणाल। आज के शुभ दिन पर मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई, पर क्या करूं, माँ का दिल है और माँ का दिल बुरा पहले सोच लेता है। सॉरी, अब जल्दी से तैयार हो जा। जी माँ। बेंबा, सब जाने के लिए तैयार हो गए हैं और आप इन्हीं कपड़ों में? पारुल, नमन अब लक्ष्मण के पास नहीं है। अब अगर नमन सही समय पर वहां नहीं पहुंचा तो? आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे ढूंढने जाऊंगी। नहीं, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं चाहूं तो एक फोन करके मैं उसे बुला सकती हूं और मुंह मांगी कीमत देकर उसे पैसों से खरीद सकती हूं। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? नमन को नहीं पता है कि उसकी बेटी के गोरधाना के लिए मैंने उसे बुलाया है, और उसे ये भी नहीं पता कि लक्ष्मण मेरे लिए काम कर रहा है, और पता चलना भी नहीं चाहिए। तभी तो मैं नमन के मुंह से उगलवाऊंगी गोरधाना के वक्त कि उसने नैतिक सिंघानिया को जान से मारने की कोशिश की थी। फिर देखती हूँ कैसे होता है ये गोरधाना। उसने कहा है कि आपके बताए टाइम पर वो महेश्वरी फैमिली के घर पहुंच जाएगा। लक्ष्मण, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अब अगर वो समय पर वहां नहीं पहुंचा तो हे माँ अम्बे, उसे किसी भी कीमत पर वहां समय से पहुंचना होगा, वरना तुरुप के बिना मैं ये बाजी कैसे जीतूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।